रेजोनेंस इन एनिसॉल, रेजोनेंस इन एनिसॉल, एनिसॉल के अंदर देखते हैं रेजोनेंस कैसा होता है, रेजोनेंस इन एनिसॉल। देखिए एनिसॉल बेसिकली क्या है, बेंजीन के ऊपर OCS3, बेंजीन के ऊपर OCS3। आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे बना रहा है 2 बॉन्ड, तो इसके बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के इस पे 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे, ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं डिफाइन करा जाए तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड कॉल्ड लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड कॉल्ड लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जब वो जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा मतलब पेयर बना लेते हैं, तो उसे लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोन पेयर। और लोन पेयर हमेशा कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड तो बनाते नहीं है, वो आवारा इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से, कोई भी अगर कंपाउंड पास में आया तो उससे वो रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कंपाउंड या उस सॉल्यूशन की, जो भी आपका कंपाउंड सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, एनहेंस करेंगे तो बढ़ाएंगे, तो वो कंपाउंड रिएक्टिव होगा, क्लियर। हालांकि जो ईथर होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि दोनों साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, आप देख रहे हैं इस ओ के यहां भी और यहां पे बेंज, ठीक है बेंज, तो यहां पे ये थोड़ा कमी रिएक्टिव होता है, क्लियर। लेकिन ये HI के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखते अगर यहां पे देखें, ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फिर से लोन पेयर है, तो एक तरीके का नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव कैसे आएगा, जब ये डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड में, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ठीक है, यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा बना देते हैं पहले, यहां हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, और यहां पे लोन पेयर है, क्लियर, ठीक है। अब ये एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ अटैक करके यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कौन ले लेगा, ऑक्सीजन दोबारा, क्लियर। तो ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर थे, अब ये बॉन्ड बनाने के बाद 1 लोन पेयर होगा, और ओ इसके बीच में हो जाएंगे 2 बॉन्ड, क्लियर। इधर नेगेटिव हो गया, ये ऐसे यहां नेगेटिव है, तो यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्लियर है, ठीक। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड तो पहले से ही है, और यहां पे क्लियर पॉजिटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव है, तो यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पे, तो ये बन जाएगा आपका, या नेगेटिव हो जाएगा, ओ पे एक लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, CH3, और ये जिससे बना है तो डबल बॉन्ड है, यहां पे ऐसे हो गया, यहां पे ऐसे, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर। यहां नेगेटिव है, तो यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब ये सी और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और ओ पे जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, दूसरा लोन पेयर इसका वापस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फिर से ऐसे। आप देख रहे हैं इसके अंदर पाई बॉन्ड ही रिवॉल्व को डीलोकलाइज या शिफ्ट हो रहा है, इसी रेजोनेंस कहते हैं। और पूरे जो कंपाउंड बन रहे हैं इसके, इसे बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पे पहला बॉन्ड है ही, यहां पे भी है ही, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो ये बन गया, क्लियर। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज है, ऑर्थो मेटा पैरा पे, आपका ऑर्थो मेटा पैरा पे, सॉरी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, देखिए इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, और तो कही है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये फिर से और, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फिर से ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो पक्का है कि वो अटैक करेगा किस पे, ऑर्थो और पैरा पे, क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही डिट्टो स्टेटमेंट आपको लिखनी है, वही डिट्टो स्टेटमेंट, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन ड्यू टू रेजोनेंस, पोजिशन ड्यू टू रेजोनेंस। तो एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन। क्लियर है? तो ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना, ये है कौन सी पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो। ठीक है, जैसे कंपाउंड होता है, ये सपोज आपका कंपाउंड है, यहां पे सपोज एक कोई भी कंपाउंड लगा ए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होगी ऑर्थो, ये वाली होगी मैटा, ये वाली इज पैरा, ये वाली इज मैटा एंड ये वाली इज बेटा जी ऑर्थो। क्लियर है? इसके रेस्पेक्ट में, इसके इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये है आपका रेजोनेंस इन एनिसोल, रेजोनेंस इन एनिसोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आराम से करिए, कोई प्रश्न नहीं। चलिए बढ़ते हैं।